हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ नीलम और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने फुल बालों की लेंथ, जो कि आप देख के थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये देखो, ये मेरे पूरे बालों की लेंथ है। मेरे बाल इतने लंबे हैं और ये देखो कुछ इस तरीके से हैं मेरे बाल। दिखते अच्छे हैं मतलब, और जब इनकी केयर करनी पड़ती है तो और भी अच्छा लगता है। और भी अच्छा का मतलब मजाक कर रही हूँ, अच्छा नहीं लगता है। कई बार आपको कहीं जल्दी जाना हुआ, कुछ करना हुआ, तो आप थोड़ा दुखी हो जाएंगे क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि आप कौन सी हेयर स्टाइल बनाएं और कैसे जाएं, क्या करें क्या ना करें, आप कन्फ्यूजन में चलेंगे। और इसलिए क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं इसलिए अपनी पर्सनल बातें आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि इनको कंघी करने में ना बहुत डिफ़िकल्टी आती है। और अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा रखा है सरसों का, तो इसलिए कंघी थोड़ा आसानी से हो जा रही है। और ये देखिए, जब मैं चोटी बनाती हूँ तो मेरे बालों में ये कैसे कैसे देखो आ जाता है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ये चोटी बनती है ना तो मुड़ा हुआ रहता है, या फिर जूड़ा बनाती हूँ तो ऐसे का निशान बन जाता है बालों में, और अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि मैंने कुछ करवा रखा है इसका। खैर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो प्यारे दिखते हैं ना। और क्या कहते हैं, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं प्रेस नहीं करवाती अपने बालों को, मैं नेचुरल तरीके से यूँ ही मतलब कंघी करके और अच्छे से बांध लेती हूँ। ज़्यादा खुला नहीं छोड़ पाती क्योंकि उलझ जाते हैं बाल। अगर कंघी अच्छे से करो तो भी उलझ जाते हैं, और अगर ना करो तो उलझे रहते हैं। देखो अभी इनमें बहुत मुश्किल है छुड़ाना, मेहनत लगती है। और हाँ, एक बात और है, मैं ना अपने बाल इकट्ठा कर रही हूँ, और यहाँ हमारे गली में आता है बाल दे दो और सामान ले लो। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बालों से कुछ ना कुछ तो खरीदूँगी एक दिन। टूटते हैं मेरे बाल, ऐसा नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नहीं टूटते हैं। इस सीज़न में थोड़ा ज़्यादा टूटते हैं, लेकिन अदरवाइज सीज़न में अच्छे रहते हैं। जैसे अभी देखो, ये इतने बाल टूटे हैं, ज़्यादा बाल नहीं टूटे हैं, आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बाल नहीं है ये। अपने बाल के बारे में, तो मैं बाल हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वॉश करती हूँ, और जब सर्दी आती है तो मेरे बालों में थोड़ा बहुत डैंड्रफ हो जाता है, क्योंकि बाल घने हैं और जब धुल लेती हूँ तो अच्छे से सूखता नहीं है, इसलिए डैंड्रफ हो जाता है, क्योंकि अच्छे से वो सूख नहीं पाता और नमी रह जाती है। हालांकि अब मैंने ड्रायर ले लिया है, पर फिर भी वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं उससे अपने बाल सुखाती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करती। मैं सोचती हूँ ऐसे ही सूखे नेचुरल तरीके से, बट फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि धूप नहीं निकलती सर्दियों में, तो मुझे उसका यूज़ करना पड़ता है। और अब मैं बनाऊँगी इसकी चोटी बनाऊँगी सबसे पहले। तो वैसे तो मुझे बाल बनाना नहीं आता है किसी और स्टाइल में, बस मैं नॉर्मल से या तो जूड़ा बना सकती हूँ या फिर अपने बालों की चोटी बना सकती हूँ, तो मैं अधिकतर तो मैं जूड़ा ही बना के रखती हूँ, पर आज मैं चोटी बनाऊँगी और दिखाऊँगी आपको कि कैसे लग रही है मेरी चोटी। तो चोटी कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने ये देखो, ये इसको 3 लेयर में डिवाइड किया है, और इसके बाद ये ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और फिर ऐसे किया, और फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और फिर क्या करती हूँ, इसको आगे ले आती हूँ, और आगे ले आने के बाद फिर चोटी कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि पीछे पीछे ऐसे मैं चोटी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे अपने बालों को घुमा के आगे लेके आना पड़ता है, और फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके चोटी बना लेती हूँ, और इसको ऐसे ऐसे करके कंघी कर लेती हूँ, ताकि ना बाल उलझे ना। और जब भी रात होती है तो इन्हें खोलना पड़ता है, जूड़ा होता है तो ज़रूर से खोलना पड़ता है, पर अगर ये चोटी में है तो खोलना ज़रूरी नहीं है, पर जूड़ा से सोया नहीं जाता है, क्योंकि वो जैसे शंकर भगवान का जटा बन जाता है वैसे बिल्कुल होता है, तो उसे बना के सो नहीं सकते हैं। और कई बार तो मैं सुनती हूँ शंकर भगवान का जटा मतलब मेरे बालों को बोला जाता है। खैर कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, कम से कम सही वर्ड तो मिलता है सुनने को। और ये मेरी चोटी फाइनली रेडी होने वाली है, और ये यहाँ तक मेरी चोटी बन गई है। अभी मेरे पास लगाने के लिए इस कमरे में फ़िलहाल कुछ नहीं है, मुझे दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके फिर मैं अपने बालों में एक रिबन लगाऊंगी, और नहीं तो फिर मैं ऐसे करके इसको क्या करूँगी, ये थोड़ा सा बाल लिया इसमें से, और फिर इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया राउंड, और फिर इसको ऐसे करके इसे बांध दिया, ऐसे करके इसको राउंड बांध दिया। और हमारे कमरे में एक अननोन पर्सन एंटर कर गया है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा हंसी आ गई है। खैर कोई बात नहीं, अननोन पर्सन नहीं है, नोन पर्सन है, और ये तो हंसी ऐसे ही आती रहती है, हमें पूरे दिन आती रहती है। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल चोटी बनके तैयार हो गया, आप देख सकते हैं, ये देखो मैंने बांध भी लिया है बालों से, और ये रही मेरी पूरी की पूरी चोटी, इस तरीके की इतनी लंबी चोटी। तो अभी मैं यहाँ पर मैंने बाल कटवा रखे हैं थोड़े थोड़े से,
कभी कभी थोड़ा सा स्टाइल करने का मन करता है और कोई स्टाइल तो कर नहीं पाती हूँ लंबे बाल होने की वजह से, और ना ही पार्लर कभी जाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा खुद ही कटवा रखा है, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे कटवा रखा है कि जब किसी कोई स्टाइल बनाऊँ तो उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लूँ, ताकि मैं भी थोड़ा अच्छी दिखूँ कहीं जाऊँ, क्योंकि जो सब लोग आते हैं ना पार्टी वगैरह में वो बहुत अच्छे दिखते हैं और मैं बिल्कुल यूँ दिखती हूँ सिंपल सी, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे कटवा रखा है फैशन के लिए आप कह सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं ऐसे लगाऊंगी पिन, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार ये हमारे आगे आता है, तो अब मैं यहाँ से पिन लेके और अपने बालों में यहाँ पे लगा लूँगी, और ये रहा यू और ये रहा इधर, तो फाइनली मेरी चोटी तैयार है और मेरा हेयर स्टाइल भी। तो बताइएगा ज़रूर मेरे बाल अच्छे लगते हैं या नहीं, मुझे तो अच्छे लगते हैं, पर मैं आपका ओवरव्यू जानना चाहती हूँ कि आपको मेरे बाल कैसे लगते हैं, और हाँ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, वरना मैं ना अपने बालों को कटवा दूँगी, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से इतने बड़े बाल हुए हैं इनको कटवा नहीं सकती, पर हाँ नीचे से थोड़ा थोड़ा कटवा दूँगी, वैसे भी बराबर करवाना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hopefully you enjoy this video.